पर क्यों? तुम्हें मुंबई जाने की जरूरत क्या है अनन्या? वो मुझे प्रमोशन दे रहे हैं माँ, मैं सीनियर रिपोर्टर बन जाऊंगी। तनख्वाह ही बढ़ेगी ना, लेकिन बेटा मुंबई के खर्चे भी तो ज्यादा हैं, और फिर घर का माहौल। माँ, लोग करियर बनाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, मैं तो बस मुंबई जा रही हूँ। इतना बड़ा शहर है, 2 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, और फिर बाद में वो अकोमोडेशन भी दे देंगे, तो आप और अरमान दोनों आ जाना। केकेन में तुझे काम नहीं करना ना, छोड़ दे, तुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी। तू तो जानती है सबसे ज्यादा न्यूज चैनल दिल्ली में है ना? माँ, पर अभी तो यही ऑफर है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये ऑफर छोड़ना चाहिए। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं मुंबई जाके सेटल हो जाऊंगी, 1-2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा सा ऑफर मिलेगा तो मैं वापस लौट आऊंगी ना। माँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए ना। अरमान आया होगा, तू जानती भी है उस बेचारे पे क्या बीतेगी ये सब जानके। अरे आप सब। माँ, ये लोग कह रहे हैं कि दीदी मुंबई जा रही हैं। हाँ बेटा। पप, खाओ मेरी कसम। कह रही हूँ ना, जा रही है वो। आंटी, आप समझाते क्यों नहीं उसको? रोनी तो आंटी, आप मेलोड्रामेटिक एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? शट अप प्रिशा, कुछ भी बोल रही है। अरे सही बोल रही हूँ, मेरी माँ होती तो आसमान सर पे उठा लेती। मेरे दादाजी बंदूक तान देते। आई तो गिव अप बेटा, आप लोग अगर उसे समझा सकते हो तो समझा लो, अब मेरे बस की बात नहीं। इट्स ओके, आई नो, बट गाइस प्लीज लेट मी गो। को बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? एक बंदे के लिए तू सबको छोड़ के जा रही है, माँ को, भाई को। भाई? छोटा भाई? छोटा भाई और हम सब, मतलब तुझे क्या लगा कि तेरे डिसीजन से हम लोग खुश हो जाएंगे, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे? एक बार डिस्कस तो कर लेती अपनी मुंबई के ऑफर के बारे में। और इसने ना डिस्कस ना एडवाइस ली होगी कभी सर से, है ना? बस बता दिया। अनन्या? हाँ, तो उन्होंने कौन सा कहा कि मत जाओ? एक्चुअली उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। छोड़ो ये सब, तुम सब लोग यहाँ बैठे क्यों ऐसे रो रहे हो? कोई मेरे लिए खुश नहीं है? मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं सीनियर रिपोर्टर बन जाऊंगी। तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे हम कभी नहीं मिलेंगे, जैसे हम कभी टकराएंगे भी नहीं, या तुम लोग मिलने नहीं आओगे? मैं मुंबई तो जा रही हूँ। तुझे मिस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को लाइटली मत लेना, ये एक सीरियस अफेयर है। न्यूज जर्नलिज्म में जो जो भी है वो यहां मौजूद होंगे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 को इस कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका मिला है, और केकेन उनमें से एक है। कबीर हमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहां आप सबका होना बहुत जरूरी है, हम सबको वहां पर एज अ टीम मौजूद होना है। ओके सर, क्या हम 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे? क्यों, तुम 11 बजे की बुलेटिन पढ़ने वाली हो? नहीं सर, उससे भी जरूरी काम है,
एक्चुअली अनन्या जा रही है तो हम सब उसे एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाने वाले थे. मतलब हम तो उसे घर से पिकअप करने की भी सोच रहे थे बट त्रिशा जिस किसी को भी सी ऑफ करना है फोन पे कर दे. इतना कठोर क्यों बिहेव कर रहे हैं कबीर सर? शायद बादल भी बरसने से पहले ऐसे ही कठोर बिहेव करते होंगे. क्या त्रिशा की जगह पे मैंने किसी और को अपॉइंट कर लिया है. वो हमें एक दो दिन में ज्वाइन करेगी. कौन? She's terrific. वो सिर्फ वेदर ही नहीं बॉलीवुड भी कवर करेगी हमारे लिए. या दिल्ली से? हाँ आई मीन एंटरटेनमेंट स्लॉट कवर करेगी. तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ मिस कश्यप की जगह पढ़नी बाकी है जो कि आसान नहीं होगा. क्यों? एक जूनियर रिपोर्टर को रिप्लेस करना मुश्किल कब से हो गया? वो जूनियर रिपोर्टर कई सीनियर रिपोर्टर्स की काबिलियत रखती है मालविका. हमारे चैनल को नंबर वन बनाने में उसका भी हाथ है एंड यू नो इट. मुझे लगता है कि मिस कश्यप एक बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट रिपोर्टर है. वो सिर्फ स्टोरीज रिपोर्ट नहीं करती महसूस करवाती है. और इस तरह के रिपोर्टर्स हर चैनल में नहीं मिलते. एनीवे खाली से पूछो कि रेडी है कि नहीं. आप ही जानते हैं कि अनन्या ये नौकरी क्यों छोड़ रही है. क्योंकि वो आपसे प्यार करती है. रोनी अनन्या से प्यार करता है वो रोनी से नहीं उसे आपसे प्यार है. या मेरी खालिद से बात हो चुकी है. सब रेडी है. तुम तैयार हो? कॉन्फ्रेंस में तुम्हें सुनने के लिए सब बेकरार है. कहने के लिए मैं भी बेकरार हूं. अनन्या तू आ रही है ना ऑफिस में हम सबसे मिलकर चली जाना. देख हम सब तो एयरपोर्ट नहीं आ पाएंगे तो तू ऑफिस आ जाना. आखिरी बार हम सबसे गले मिलकर चली जाना प्लीज यार. लेकिन कुछ नहीं वैसे भी ऑफिस में आज बॉस लोग है ही नहीं. मानव सर मालविका मैम कबीर सर खालिद सर सब लोग कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए. और कबीर सर ने कहा थोड़ी देर में हम लोगों को भी उन्हें ज्वाइन करना है. तो मैं क्या कह रही हूँ अनन्या एयरपोर्ट के रास्ते हमसे मिलते हुए निकल जाना. देख एयरपोर्ट एक डायरेक्शन में है और ऑफिस दूसरी डायरेक्शन में. अब मुझे पता है डिफरेंट रूट है पर अनन्या क्या तो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती प्लीज. कबीर सर ने कंपलसरी रखा है तुम सबका कॉन्फ्रेंस अटेंड करना. हाँ और नहीं तो क्या. पता था मुझे वो थोड़ी चाहेंगे ही कोई मुझे छोड़ने आए. एनीवे मैं आती हूँ ऑफिस. तुम लोगों से मिले बिना थोड़ी जाऊंगी. देखती हूँ कबीर सर मुझे कैसे रोकते हैं. अरे मैम आप सब तो गए कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें. सब गए रिचा त्रिशा भी? हाँ मैम. मैम मैंने सुना आपने चैनल छोड़ दिया. हाँ मैं मुंबई जा रही हूँ दूसरा चैनल ज्वाइन करने. बेस्ट ऑफ लक मैडम आपकी बहुत याद आएगी. थैंक यू मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी. मैं ऐसे ही एक चक्कर लगा लूँ. आप जा रहे हैं? हाँ मैम सिक्योरिटी है बाहर मैं उसे बोल देता हूँ. थैंक यू. Thank you.
आप फोन कर लीजिए, भूख लग रही तो खाना खा लीजिए, वॉशरूम भी हो आइए, लेकिन जब एक बार आप यहाँ पर आकर बैठेंगे तो मुझे आपका कंप्लीट अटेंशन और फोकस चाहिए। जितना फोकस, जितना अटेंशन दे सकती थी मैंने दिया, आप मुझे जाने दीजिए सर। यहाँ आपको तो कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। होना तो आपको भी आना चाहिए था मिस कश्यप। मैं अपने दोस्तों से मिलने आई थी आखिरी बार। मैं भी अपने दोस्त से मिलने आया हूँ पहली बार। पहली बार दिल की सुनी और दिल ने कहा कि मुझे यहां होना चाहिए। अच्छा किया सर, आपका चैनल है, आप जहां चाहे वहां हो सकते हैं। मैं चलती हूं। मिस कश्यप, मैं जानता हूं कि आपको यहां से जाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन अगर आपको रुकने के लिए भी मैं ही कहूं तो क्या आप मानेंगी? मेरे पास कोई वजह नहीं है सर। अगर मैं वजह दूं तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे लिए रुक जाओ, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि दैट यू मीन द वर्ल्ड टू मी, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि आई लव यू अनन्या, तो क्या काफी होगा तुम्हारे लिए रुकने के लिए? नहीं, आप सिर्फ एक अच्छी एम्प्लॉय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं खुद को नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। जो कुछ भी मेरे बारे में आके कोई कह देता है मैं मान लेता हूं। अपॉर्चुनिस्ट मतलबी, रूखा, वुमनाइजर, प्लेयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं जीता। लेकिन अब फर्क पड़ने लगा है क्योंकि मैं किसी और के लिए जीना चाहता हूं। उस दिन पार्टी में तुमने मेरी तारीफ में बहुत कुछ कहा था, बस एक बात कहना भूल गई जो शायद मेरे बारे में कोई नहीं जानता। बहुत सिद्धि हूं मैं, अगर एक बार कुछ पाने का इरादा कर लूं तो सब कुछ दांव पर रख सकता हूं। और तुम्हें पाने के लिए अनन्या, मैं अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। अपना अहम, अपना अहंकार, अपना स्वार्थ, सब कुछ। बहुत आसान नहीं है मेरे लिए उन दीवारों को गिराना जो मैंने खुद अपने आसपास खड़ी की है। और जब आज मैं खुद टूट रहा हूं तो मुझे बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। जो इंसान इस दुनिया में किसी पर यकीन नहीं करता वो उसी दुनिया में से किसी को यकीन दिलाना चाहता है कि मैं अपनी सारी सांसें तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। मुझे एक मौका दे दो अनन्या, बस एक मौका। और जाने से पहले, प्यार वो दौलत है जिसे जितना खर्च करो उतनी ही बढ़ती है। ये वो जन्नत है जो इसी दुनिया में बसती है। इसमें ना तो अहम की जगह है, ना वहम की, ना ताकत की, ना जोर की, ना मौन की, ना शोर की। प्यार का कोई मजहब तो नहीं है, लेकिन ये भी वो दरबार है जहां हर सर झुकता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.